नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं कमलेश भट्ट, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भट्टजी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है हरियाली है इस तरफ, आप देख सकते हैं ये भी हरियाली है और यहाँ को भी जो है ये हरियाली है काफ़ी। तो आज दोस्तों हम आए हुए हैं यहाँ पे दवाई फार्म के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लगभग डेली आते हैं, तो आज आप लोग भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे सफ़र का आनंद ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है डेली शाम को आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या है शाम को दौड़ने के लिए आते हैं डेली, तो अपना जो है थोड़ा फिजिकल फिट हो जाए। सुबेरे तो टाइम मिलता नहीं है क्योंकि सुबेरे थोड़ा ड्यूटी उटी जाना पड़ता है, तो इस चक्कर से सुबेरे टाइम हो नहीं पाता है। तो शाम को हम यहाँ पे डेली आते हैं। अभी थोड़ा बीच में एक महीना नहीं आया मैं अगस्त के वक्त में, क्योंकि उस वक्त में थोड़ा सा जो है पहाड़ों के काफ़ी जो है चक्कर लग रहे थे, तो बीच में गंगोली हाट का हो गया था, फिर उसके बाद बीच में एक आध जगह और जाना पड़ गया, तो इस चक्कर से आए नहीं थे। तो अभी ये इस महीने से दोबारा से चालू किया आना सितंबर से। तो आजकल तो दोस्तों हम लोग थोड़ा जो है 2-2.5 किलोमीटर के आसपास का सफ़र कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं। तो मैं अभी आपको अपना ट्रैक दिखाऊँगा, तब तक आज जो है आप थोड़ा सा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूँ हम आए कहाँ पर है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। तो दोस्तों हम लोग आए हुए यहाँ पर अभी जो है दवाई फार्म के अंदर। तो यहाँ पर इसको जो है दवाई फार्म बोलते हैं अधिकतर, तो वैसे इसको सीमैप भी बोला जाता है। आपको अगर आप गूगल में CIMAP करके डालोगे तो वो जो है आपको सारे का सारा बता देगा यहाँ पे के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, आप जो देख रहे हो ये इस तरफ मेरे पीछे पे ये जितना भी है जो आपको दिख रहा है ये झाड़पात नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये दवाइयाँ हैं। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ होती है अधिकतर, अलग अलग चीज़ों की यहाँ पर जड़ी बूटियाँ उगाते हैं। तो मैं अगर आपको आगे थोड़ा सा चलते हैं वहाँ पर, मैं आपको मेंथा दिखाऊँगा, मेंथा भी होता है यहाँ पर। तो काफ़ी जो है जड़ी बूटियाँ उगाते हैं यहाँ पे और ये बहुत ही जो है ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छी जगह हमें मिली हुई है यहाँ पे देखने के लिए, और हमारे लिए तो बहुत ही, मतलब कि मैं क्या कहूँ, एक तरीके से नेचर ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, दे रखा है, क्योंकि एक तो इतनी खूबसूरत जगह है, ऊपर से हमें यहाँ पर दौड़ने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। एकदम दोनों तरफ जड़ी बूटियाँ हैं और पॉल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, कोई गाड़ी नहीं, कम से कम 1600-1700 मीटर की दूरी पे है ये हाईवे से, और हमारे गांव के रोडों से भी जो है इतनी दूरी पे है। तो काफ़ी, मतलब कि बहुत अच्छा है ये, जब दौड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है फीलिंग आती है, क्योंकि इस तरफ भी क्या है दोनों तरफ क्या है अपना जो है जड़ी बूटियाँ लगी हुई है, तो वो दौड़ते वक्त क्या है पूरी, मतलब एकदम ठंडी और साफ़ और शुद्ध हवा आती है यहाँ पर दोस्तों, तो बहुत अच्छी जो है हवा आती है यहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है दौड़ते वक्त। और काफ़ी टाइम से दौड़ रहे हैं, पहले से हम लोग भर्ती की तैयारी करते थे तब से दौड़ ही रहे फिर, और आज भी दौड़ ही रहे। पहले उस वक्त संघर्ष थोड़ा दूसरा था, आज संघर्ष क्या है थोड़ा दूसरा है। आज जो है शरीर को और खुद को फिट करना है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो फिर सभी कुछ अच्छा है, बाकी अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी कुछ भी ठीक नहीं है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं पीछे, देखिए कितने बढ़िया एकदम इतना व्यू आ रहा है, वो देखो पहाड़ दिखाई दे रहे एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे से, और ये बहुत ही, आप देख सकते हैं ये व्यक्ति भी आ रहा है पीछे से, भाई अपना दौड़ने के लिए आ रहा होगा शायद, क्योंकि लगभग काफ़ी लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये पीछे अपने परगाई जी है शायद, आई थिंक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी आपको जो है सामने से व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो है काफ़ी, ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू है, और ये जो है आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है हरियाली हरियाली है यहाँ पे, ये देखिए पूरे का पूरा जो है एकदम से बहुत अच्छा, और आप व्यू देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और आज तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है मौसम, और ये देख सकते हैं आप लोग पूरे पहाड़ यहाँ से कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एकदम बहुत ही अच्छा जो है दृश्य हो रहा है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये देखिए। यहाँ पे ये जो है पूरा के पूरा जो है झाड़पात नहीं है, यहाँ पे जो है ये दवाइयाँ हैं, और इस तरफ जो है अभी ये जो मैं आपको थोड़ा आगे जाऊँगा तो दिखाऊँगा, यहाँ पे जो है मेंथा वगैरह है, और यहाँ पे जो है कुछ लड़के भी आए हुए हैं अपना दौड़ने के लिए। फिलहाल तो दो ही लोग हैं, आज थोड़ा हम जल्दी आ गए हैं तो इसीलिए अभी लड़के काफ़ी मात्रा में दिखाई दे नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर में शायद सबसे मुलाकात होगी। और ये देख सकते हैं पॉपुलर का पेड़ भी है, दो पेड़ है, काफ़ी पुराने पेड़ है ये, मैं काफ़ी समय से इनको देखते हुए आ रहा हूँ। आई हाई, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों। तो अभी जो है, तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है दवाई फार्म के अंदर का थोड़ा सा सीन मैं आपको दिखा दूँ, दूर से है काफ़ी, और ये जो बढ़िया सा जो है वृक्ष है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये जो है मैंने आपको बताया था मेंथा वगैरह होता है, तो ये इसकी फैक्ट्री है शायद, आई थिंक यहाँ पे अंदर जो है, और मेंथा का तेल जो है काफ़ी महंगा होता है, आप देख सकते हैं पूरे तरह से जो है ये ढका हुआ है पूरे का पूरा जो है अपना, दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ट्रैक्टर वैक्टर रखे हुए हैं यहाँ पे, और जो है अंदर कुछ प्लांट वगैरह भी है यहाँ पे, वो देखिए। तो ये देख लिया,
ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर रखे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए नीम नीम का पेड़ है, और ये देखिए, और ये बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं, चलाओ। तो ये देखिए दोस्तों, तो अब हम वापस चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ मेंथा का कैसा है करके। ये देख लो दोस्तों, ये देखिए आप, ये चरी जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये चरी नहीं है, ये भी जो है एक वो है अपना, क्या बोलते हैं, दवाई है, औषधियाँ है ये काफ़ी। और इस तरफ भी जो है ये चरी टाइप में हो रही है, ये भी सारी की सारी औषधियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है अपना थोड़ा सा ट्रैक, अभी बारिश हुई थी उस चक्कर से ख़राब हो रहा है, तो हम लोग इसी में दौड़ते हैं। और ये जो ट्रैक है ये 800 मीटर का है, तो फिलहाल तो आजकल अभी हम जो है 2.5 किलोमीटर के आसपास में दौड़ रहे हैं, तो आज से जो है थोड़ा बढ़ाते हैं, तो आज से जो है 5 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हम लोग तय करेंगे। अब पहले जो है 3 चक्कर लगाते थे, अब जो है 5 या 6 चक्कर मारने पड़ेंगे हमें इसके, कभी 5 लग जाएंगे, कभी 6 भी लग जाएंगे। तो जो है काफ़ी जो है बढ़िया हो रहा है यहाँ पर नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन जो है यहाँ पे हो रहा है। तो ये मुझे लगता है आई थिंक ये जो एरिया है ये कम से कम 1400-1500 एकड़ के आसपास में होगा, और ये कम से कम कुछ नहीं तो 4 गांवों को आपस में जो है इसकी सीमाएं है इस दवाई फार्म की। इधर अपना सुभाष नगर लग जाता है, इधर राजीव नगर, इधर जो है घोड़ा नाला, और उस तरफ को जो है आपका दक्षिण दिशा की ओर को जो है अपना लग जाता है अपना जवाहर नगर, जवाहर नगर नगला वाला हिस्सा। और आप देख सकते हैं लड़के जो है दौड़ रहे हैं, अपना तैयारी में लगे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे महिलाएं घास भी काट रही है। मैंने आपको दिखाया, बता रहा था मैं मेंथा दिखाऊंगा, मेंथा तो अभी दोस्तों काफ़ी छोटा हो रहा है यहाँ पे, और शायद इसको अभी कुछ ही टाइम पहले लगाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हो रहा है मेंथा में, अभी इसमें गुड़ाई कर रखी है। और इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं सारी का सारा मेंथा हो रखा है यहाँ पे बीच में है, लेकिन इसमें क्या है घास है तो कटेगी तो ये दिखाई देगा, फिलहाल इसमें अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ पेड़ है ये, तो अभी ये छोटा हो रहा है, अभी कुछ समय बाद अगर ये जब बड़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना बेहतरीन होता है करके, कितना अच्छा होता है, काफ़ी इसमें अच्छी खुशबू आती है, एकदम ठंडी ठंडी, इसको मिंट भी बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम जो है आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है इस वाले खेत में जो है तुलसी लगा रखी है, तो तुलसी भी जो है औषधि के रूप में काम आती है। तो आप देख सकते हैं पूरे का पूरा ये प्लॉट जो है ये तुलसी का है यहाँ पे, और काफ़ी जो है इसमें से खुशबू आ रही है एकदम बहुत ही बढ़िया वाली। तो यहाँ पे दौड़ने में जो मज़ा आता है ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए पूरे का पूरा जो है तुलसी का पेड़ है यहाँ पे, वृक्ष है ये सारे के सारे, आप देख सकते हैं इसमें अभी जो है वो आ रखी है घनी घनी। ये रहा अपना ट्रैक, काफ़ी बढ़िया है, और इस समय इस साइड में जो है गूल है पानी के, आगे एक लौंडा भी जा रहा है शायद, काफ़ी बढ़िया व्यू है। ये रहा 800 मीटर का अपना राउंड। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे अपना दवाई फार्म? काफ़ी जो है मुझे तो ब्यूटीफुल प्लेस लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप, आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि इतनी हरियाली है और जो है दौड़ने के लिए ऐसी जगह मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है, और जो है काफ़ी जो है सुंदर नज़ारा है यहाँ पे का। तो दोस्तों अब जो है आप लोगों से, अभी हम दौड़ते हैं, अब अपना भी जो है टाइम हो ही चुका है लगभग, हालांकि आज तो हम जल्दी आ गए थे क्योंकि अभी मंगलवार है, तो अभी शायद अपने मंदिर के वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी होता है तो वहाँ पे भी जाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे अभी लड़के कम आए हुए हैं क्योंकि थोड़ा लेट ही आते ना, क्योंकि घर का काम वगैरह भी होता है सभी को, तो इसलिए थोड़ा लेट ही आते हैं। तो दोस्तों फिर मुलाकात होती है एक नई सुबह नए सफ़र के साथ, तब तक आके लिए जय हिंद जय भारत।